हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान संस्कृति का चैप्टर राजस्थान की लोक देवियाँ। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग की लोक देवियों का जो है अध्ययन किया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। और यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप जो है पीडीएफ नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए आप सीसी मंत्रा का ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे उदयपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में और पाली संभाग की लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर संभाग की लोक देवियां। उदयपुर संभाग की लोक देवियां, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उदयपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं। उदयपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले जो हैं वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और उदयपुर संभाग के अंदर हम कितनी लोक देवियों का अध्ययन करेंगे? 17 लोक देवियों का जो है हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए वो लोक देवियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो एक बार हम जो है मैप पर समझ लेते हैं, ताकि हमें जो है आसानी से मालूम पड़ जाए कि कौन सी लोक देवी किस जिले से संबंधित है, यानी कि उनका मंदिर किस जिले के अंतर्गत आता है। क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत। और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न आ चुके हैं और किस किस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत जो आने वाला जिला है वो है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर हम बात करेंगे जोगणिया माता। किसकी बात करेंगे? जोगणिया माता। फिर भीलवाड़ा के बाद हम बात करते हैं चित्तौड़, क्योंकि तो चित्तौड़ जो है वो भी उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही आता है। तो चित्तौड़ के अंतर्गत हम कौन कौन सी लोक देवियां पढ़ेंगे? तो चित्तौड़ के अंदर हम मुख्यतः बात करेंगे बाण माता की। सबसे पहले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो देवियां हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो है बाण माता, फिर कालिका माता, कालिका माता, फिर हम बात करेंगे तुलजा भवानी, तुलजा भवानी, फिर हम बात करेंगे बिरवड़ी माता, बिरवड़ी माता, और फिर हम बात करेंगे बड़ली माता, बड़ली माता, उसके बाद असावरी, असावरी या आवरी माता, असावरी या आवरी माता। तो इन छह माताओं के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सलुम्बर, सलुम्बर जिला जो कि वर्तमान में नया जिला बना है। इसके अंतर्गत हम जिन माताओं का अध्ययन करेंगे, एक तो है जावर माता, एक है इडाना माता, इडाना माता, और एक है अंबिका माता, अंबिका माता। ठीक है, तो 3 माताएं जो हैं हम सलुम्बर जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम
उदयपुर, उदयपुर के अंतर्गत जिन माताओं का हम अध्ययन करेंगे वो कौन कौन सी हैं? एक तो है महा माई या महामाया माता, महामाई या फिर हम इन्हें कह सकते हैं महामाया या मावली माता, महामाया या मावली माता। उसके बाद उदयपुर में हम पढ़ेंगे, उदयपुर के अंदर हम पढ़ेंगे चार भुजा नहीं, हम इसके अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे महामाया या मावली माता हो गई, एक पढ़ेंगे उटाला माता, उटाला माता। वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर का जो है इनका मंदिर है। और एक हम पढ़ेंगे हिचकी माता, कौन सी? हिचकी माता। तो इन तीन माताओं के मंदिर जो हैं वो कहाँ पर हैं? उदयपुर में। और लास्ट जिला जो आता है उदयपुर संभाग के अंतर्गत वो कौन सा जिला आता है? वो आता है राजसमंद। कौन सा आता है? राजसमंद। तो राजसमंद के अंदर हमें ध्यान रखना है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है घेवर माता। राजसमंद के अंदर कौन सी माता? घेवर माता। एक चार भुजा देवी, चार भुजा देवी। एक पीपली माता, कौन सी? पीपली माता। और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे आमजा माता, किसके बारे में? आमजा माता, आमजा माता। इनको हम पीपला माता भी कहते हैं। तो ये चार माताएं जो हैं हम राजसमंद जिले के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कुल 17 लोक देवियां जो हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क की हैं, जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आती हैं। तो जोगड़िया माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बाण माता, कालिका माता, तुलजा भवानी और बिरवड़ी माता का जो मंदिर है ये है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और बड़ली माता का जो मंदिर है वो है आकोला चित्तौड़ में। कहाँ पर है? आकोला चित्तौड़ में। और असावरी या आवरी माता का जो मंदिर है वो है निकुंभ चित्तौड़ में। कहाँ पर है? निकुंभ चित्तौड़ में। फिर जावर माता का जो मंदिर है वो है जावर सलुम्बर में। कहाँ पर है? जावर सलुम्बर में, ठीक है। उसके बाद इडाना माता का जो मंदिर है वो है बम्बोरा। कहाँ पर? बम्बोरा सलुम्बर में। और अंबिका माता का जो मंदिर है वो है जगत सलुम्बर में। कहाँ पर है? जगत सलुम्बर में। उसके बाद महामाया या मावली माता का मंदिर उदयपुर में है। उटाला माता का जो मंदिर है वो है वल्लभ नगर। कहाँ पर? वल्लभ नगर उदयपुर के अंतर्गत है। और हिचकी माता का जो मंदिर है वो है सनवाड़। कहाँ पर? सनवाड़ उदयपुर में। कहाँ पर है? सनवाड़ उदयपुर में। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैच द फॉलोइंग के अंदर ये पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा माता का मंदिर कहाँ पर है। तो घेवर माता का तो राजसमंद में ही है। घेवर माता का कहाँ पर है? राजसमंद में ही है। और यदि हम चार भुजा देवी की बात करें तो खमनौर हल्दी घाटी, कहाँ पर है? खमनौर हल्दी घाटी में इनका मंदिर है, ठीक है। पीपला माता की यदि बात करें तो उनवास, उनवास हल्दी घाटी में इनका मंदिर है। और यदि आमजा माता की बात करें तो रीछड़े गांव, कौन से गांव? रीछड़े गांव राजसमंद में इनका क्या है? मंदिर है। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस माता का मंदिर कहाँ पर है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी फटाफट से एक बार रिवाइज कर सकें कि भाई
फटाफट से कि उदयपुर संभाग में कौन सी माता का मंदिर कहाँ पर है। तो भीलवाड़ा में जोगणिया माता, चित्तौड़ के अंदर मैंने आपको बता दिया, सलूम्बर के बारे में बता दिया, उदयपुर के अंदर कौन कौन सी माता का मंदिर है और राजसमंद में कौन कौन सी माता का मंदिर है। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं परीक्षात्मक दृष्टिकोण से, उनका भी हम जो है अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जोगणिया माता, इसकी बात करेंगे जोगणिया माता। तो जोगणिया माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, मैंने आपको बता ही दिया, जोगणिया माता का मंदिर है भीलवाड़ा। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका मूल नाम, इनका मूल नाम अन्नपूर्णा माता है। इनका मूल नाम क्या है? अन्नपूर्णा माता। तो आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम फिर जोगणिया माता कैसे पड़ा, तो इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि इस मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, उस जगह का नाम है बंबाव दागढ़। उस जगह का नाम क्या है? बंबाव दागढ़। जगह का नाम क्या है? बंबाव दागढ़। यहाँ का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था देवा हाडा। इसका नाम क्या था? देवा हाडा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जोगणिया माता का मूल नाम क्या है? जोगणिया माता का मूल नाम है अन्नपूर्णा माता। अब अन्नपूर्णा माता से इनका नाम जोगणिया माता कैसे पड़ा? तो इस इनके मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक जगह है, उस जगह का नाम है बंबावदागढ़। यहाँ का जो शासक था देवाहाड़ा, यानी कि बंबावदागढ़ का जो किला है वो इनके मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का जो शासक था देवाहाड़ा, उसने अपनी पुत्री के विवाह में अन्नपूर्णा माता को क्या किया? आमंत्रित किया। और इस विवाह के अंदर अन्नपूर्णा माता जो है वो जोगन का रूप धारण करके गई, तो तब से ये जोगणिया माता के रूप में क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। और एक इंपॉर्टेंट बात, मन्नत पूर्ण होने पर, मन्नत पूर्ण होने पर इनके मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है। मन्नत पूर्ण होने पर इनके मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाने की क्या है? प्रथा है। इनके मंदिर में मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है। देखो बच्चों, सिलेक्शन अगर चाहिए तो आपको बहुत ही डीप के अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही टिपिकल होता जा रहा है। तो हमको हर चैप्टर को मन लगाकर बहुत ही गहराई से पढ़ना है, ताकि कोई भी प्रश्न उस चैप्टर में से आ जाए तो हम उसका हल कर सकें। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल हर फैक्ट, हर माता के बारे में बताने की कोशिश करूँ, ताकि कोई भी प्रश्न जो है आपका परीक्षा में अगर इस चैप्टर से आता है तो वो गलत नहीं हो। तो जोगणिया माता के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। और इनका मान, इनका जो नाम है वो जोगणिया माता कैसे पड़ा? कि बंबावदागढ़ का जो शासक था देवाहाड़ा, उसने अपनी पुत्री के विवाह में जोगणिया माता या अन्नपूर्णा माता को आमंत्रित किया, और उस विवाह के अंदर ये जोगन का रूप धारण करके गई, तब से ये जोगणिया माता के रूप में क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। और मन्नत पूर्ण होने पर इनके मंदिर में क्या है? मुर्गे छोड़कर जाने की क्या है? प्रथा है। तो ये अपन को याद रखना है कि किस माता के मंदिर में मन्नत पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाते हैं, तो वो है जोगणिया माता भीलवाड़ा की, और इनको अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ के अंदर सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो है बाण माता। इसकी बात करेंगे बाण माता। बाण माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बाण माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि यह गुहिल वंश, या जिसे अपन कह सकते हैं सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश,
या मेवाड़ वंश की क्या है? कुल देवी है। यह है गुहिल वंश, सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। तो ये प्रश्न हमसे परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि मेवाड़ वंश, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी माता है? ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इनका मुख्य मंदिर नागदा उदयपुर में है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? क्योंकि प्रारंभ में गुहिल वंश की राजधानी क्या थी? नागदा थी। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। और इनका मंदिर केलवाड़ा राजसमंद में भी है। केलवाड़ा राजसमंद में भी है। तो जैसे जैसे गुहिल वंश की राजधानी परिवर्तित होती गई, वैसे वैसे इनके नए मंदिरों का निर्माण भी होता गया। तो एक तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि बाण माता जो है वो किस वंश की कुल देवी है? गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी माता है? बाण माता है। बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। और केलवाड़ा राजसमंद में भी इनका क्या है? मंदिर है। तो बाण माता और जोगणिया माता, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका फटाफट से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कालिका माता। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? कालिका माता। तो कालिका माता का मंदिर भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कालिका माता का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब इनके मंदिर के बारे में मुख्य बात क्या है कि प्राचीन समय में यह एक सूर्य मंदिर था। इनके मंदिर की मुख्य बात क्या है कि प्राचीन समय में यह एक सूर्य मंदिर था। प्राचीन समय में यह एक कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था। लेकिन क्या हुआ कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा क्या किया गया? सूर्य की प्रतिमा को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। तो प्राचीन समय में यह क्या था? एक सूर्य मंदिर था। महाराणा सज्जन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाकर यहां पर कालिका माता की मूर्ति को स्थापित किया। यहाँ पर कालिका माता की मूर्ति को स्थापित किया। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? महाराणा सज्जन सिंह ने। और कालिका माता की मूर्ति को स्थापित किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि यह गुहिल वंश या फिर सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। गुहिल वंश, सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। आराध्य देवी है। यह गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की क्या है? आराध्य देवी। कुल देवी कौन है? अगर गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की कुल देवी की अगर अपन बात करें तो कुल देवी कौन है? कुल देवी है बाण माता। और आराध्य माता कौन है या आराध्य देवी कौन है? तो हम बात करें तो वो है कालिका माता। कौन सी माता? कालिका माता। तो ये बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है।
या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। और प्राचीन समय में ये कौन सा मंदिर था? एक सूर्य मंदिर था। क्या था? सूर्य मंदिर था। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। और बाण माता का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गुहिल वंश या सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? तो कुल देवी बाण माता है, और आराध्य देवी जो है वो कालिका माता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तुलजा भवानी। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? तुलजा भवानी। तो तुलजा भवानी जो है इनका क्वेश्चन परीक्षा में आ भी चुका है। और तुलजा भवानी का मंदिर जो है वो भी रामपोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही जो है वो स्थित है। तो इनका मंदिर भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। और इनका जो प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है वो ये है कि छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी कौन सी माता है? तो छत्रपति शिवाजी के वंश की जो कुल देवी है वो कौन है? तुलजा भवानी। तो अपन इनके बारे में केवल एक ही पॉइंट लिखेंगे, छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी हैं। छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी हैं। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी कौन सी है। तो अपन को ध्यान रखना है तुलजा भवानी। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि तुलजा भवानी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिरवड़ी माता। कौन सी माता? बिरवड़ी माता। इनका जो मंदिर है ये भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही इनका मंदिर है। और इनके मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था? मंदिर का जीर्णोद्धार राणा हमीर ने करवाया था। मंदिर का जीर्णोद्धार राणा हमीर ने करवाया था। और कालिका माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने करवाया था। तो मंदिर का जीर्णोद्धार राणा हमीर ने करवाया था। और यहाँ पर इन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में इन्हें किस माता के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन्हें अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है। और जोगणिया माता का मूल नाम क्या है? वो भी उनका नाम भी अन्नपूर्णा माता है। उनका नाम भी क्या है? अन्नपूर्णा माता। तो एग्जाम के अंदर जो है ये जरूर आया है कि बिरवड़ी माता का मंदिर जो है कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इनसे रिलेटेड ये प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा जा चुका है कि तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और तुलजा भवानी किस वंश की कुल देवी है? तो छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी है। ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर बन चुका है। यदि हम बात करें कालिका माता, तो मैंने आपको बता ही दिया सिसोदिया वंश की क्या है? आराध्य देवी, या गुहिल वंश की आराध्य देवी। और बाण माता की यदि हम बात करेंगे तो वो क्या है? सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी है। तो ये प्रश्न अपन को ध्यान रखने हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर है ये भी हमको पता होना चाहिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं बडली माता। नेक्स्ट कौन सी माता की बात करेंगे? बडली माता। तो देखिए, बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? बडली माता का मंदिर है अकोला चित्तौड़गढ़। बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़। और जैसे मैंने आपको बताया था कि केला देवी का मंदिर जो है वो काली सील नदी के किनारे है, तो उसी तरह बडली माता का जो मंदिर है वो बेड़च नदी के किनारे है। कहाँ पर है? बेड़च नदी के किनारे, अकोला चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे जो है
बड़ली माता का क्या है, मंदिर है। अब इनके मंदिर की खास बात क्या है, इनके मंदिर में बनी, इनके मंदिर में बनी दो तिबारियों से, दो तिबारियों से बच्चों को निकालने पर, बच्चों को निकालने पर यानी कि दो तिबारियों के बीच में से पास कराने पर, इनके मंदिर में बनी दो तिबारियों से बच्चों को निकालने पर वह इनके नाम की, वह इनके नाम की तांती बांधने पर, तांती मतलब डोरा, तांती बांधने पर बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है, जनश्रुति है, बच्चों की बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है। तो ये प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि किस माता के मंदिर की तिबारियों से बच्चों को निकालने पर उनकी जो बीमारी है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। बेड़च नदी के किनारे किस माता का मंदिर है, या फिर बडली माता का मंदिर कहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जोगणिया माता के मंदिर में मन्नत पूर्ण होने पर मुर्गे छोड़कर जाने की प्रथा है, वैसे ही इनके मंदिर में मन्नत पूर्ण होने पर, इनके मंदिर में मन्नत पूर्ण होने पर त्रिशूल चढ़ा, लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। मन्नत पूर्ण होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है, लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। तो लोहे का त्रिशूल किस माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है मन्नत पूर्ण होने पर, बड़ली माता, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है, किस माता के मंदिर में बनी तिबारियों से निकालने पर बच्चों की बीमारी दूर हो जाती है, बड़ली माता। और किस नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे क्या है इनका मंदिर है, और अकोला चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़ के अंदर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट में यदि हम बात करें तो कौन सी, आवरी या असावरी माता, आवरी या असावरी माता, इनका मंदिर कहाँ पर है, इनका मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़, इनका मंदिर कहाँ पर है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहां पर शारीरिक व्याधियां, शारीरिक व्याधियां यानी कि शारीरिक रोग जो होते हैं दूर होती हैं, शारीरिक व्याधियां क्या होती हैं, दूर होती हैं। और मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं लकवा, मुख्य रूप से लकवा यानी कि किसी को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है तो लकवे का इलाज जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के पास बने तालाब में स्नान करने से लकवे की बीमारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो शारीरिक व्याधियों का जो कहाँ पर दूर होती हैं, आवरी या असावरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं हर माता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और राजस्थान के अंदर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, खास तौर से माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आवरी या असावरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर शारीरिक व्याधियाँ दूर होती हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर किसका इलाज होता है, लकवे का। लकवे का एक इलाज बूटाटी में भी होता है ना, वहाँ पर 7 दिन रहना पड़ता है और यहाँ पर भी होता है। और कहते हैं कि इस मंदिर के पास जो तालाब है उसमें स्नान करने से लकवा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसी जनश्रुति है।
बडली माता का मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इनके मंदिर के बारे में मान्यता है कि इनके मंदिर में बनी दो तिबारियों से बच्चे को निकालने पर और इनके नाम की ताती यानी कि डोरा बांधने पर जो है बच्चे की बीमारी दूर हो जाती है, और मन्नत पूर्ण होने पर यहाँ पर क्या किया जाता है, लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। किसका त्रिशूल चढ़ाया जाता है? लोहे का त्रिशूल चढ़ाया जाता है। और तुलजा भवानी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी है। तो अपन ने भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की लोक देवियों का अध्ययन कर लिया। अब हम बात करेंगे सलुम्बर की। तो सलुम्बर के अंदर पहली जो माता है वो कौन सी है? तो अपनी 8वें नंबर की लोक देवी चल रही है उदयपुर संभाग के अंदर, तो वो कौन सी है? वो है जावर माता। और जावर माता का मंदिर कहाँ पर है? जावर, पहले जावर उदयपुर में था, चांदी की खान यहाँ पर बहुत ही फेमस है जावर की, ठीक है ना? तो जावर उदयपुर, तो जावर उदयपुर में इनका मंदिर है, और इन्हें खानों की या खनन की कुल देवी कहा जाता है। तो जावर माता का क्वेश्चन, खानों या खनन की कुल देवी किसे कहा जाता है? इन्हें खानों या अपन कह सकते हैं खनन की कुल देवी कहा जाता है। खानों खनन की कुल देवी कहा जाता है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री, निर्माण महाराणा कुंभा की पुत्री। महाराणा कुंभा ने खुद सबसे ज्यादा दुर्ग जो हैं वो इन्होंने ही बनवाए हैं राजस्थान के अंदर। तो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा की पुत्री रमा बाई ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो खानों या खनन की कुल देवी किसे कहा जाता है? जावर माता को कहा जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और जावर माता का मंदिर किसने बनवाया? महाराणा कुंभा की पुत्री रमा बाई ने बनवाया, और इन्हें क्या कहा जाता है? खानों या खनन की कुल देवी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो माता है वो कौन सी है? अगर हम देखें तो वो है इडाणा माता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इनका मंदिर कहाँ पर है? बम्बोरा। बम्बोरा सलुम्बर में जो है वो इनका मंदिर है, बम्बोरा सलुम्बर। इनकी खास बात क्या है इडाणा माता की? इन्हें मेवल की महारानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें मेवल की महारानी कहा जाता है, मेवल की महारानी कहा जाता है। यह अग्नि स्नान करने वाली देवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह अग्नि स्नान करने वाली देवी है। अब आप कहेंगे सर कैसे अग्नि स्नान करने वाली देवी, इन्हें क्यों कहते हैं हम? इन्हें यह अग्नि स्नान करने वाली देवी है। एक्चुअल में इनका जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर क्या है, छत नहीं है, और इनका इनकी जो मूर्ति है वो खुले चौक के अंदर एक चबूतरे पर स्थित है, और इनके मंदिर में महीने में 2 से 3 बार अग्नि जो है वो स्वतः ही प्रकट होती है, और उसमें माता की चुनरी और श्रृंगार दोनों ही क्या हो जाता है, सुहा हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, इन्हें मेवल की महारानी कहा जाता है, और इन्हें अग्नि स्नान करने वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके मंदिर में महीने में 2 से 3 बार क्या होता है, अग्नि जो है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और उसमें माता का श्रृंगार और चुनरी वगैरह जो है वो जलकर क्या हो जाती हैं, स्वाह हो जाती हैं। तो अपन को ये 2 फैक्ट जान रखने हैं कि मेवल की महारानी और अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है? इडाना माता है। और इडाना माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बम्बोरा सलुम्बर में है। जावर माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो जावर उदयपुर में है, चांदी की खान से अपन याद रख सकते हैं, इन्हें खानों की या खनन की कुल देवी कहते हैं। और इनके मंदिर का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने करवाया था, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और मेवल की महारानी और अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है? वो है इडाना माता।
अब देखिए सलूम्बर में अपन जो पढ़ेंगे वो है अंबिका माता। कौन सी माता? अंबिका माता। अंबिका माता का जो मंदिर है वो जगत सलूम्बर में है। कहाँ पर है? जगत सलूम्बर में। पहले जगत भी उदयपुर में आता था, अब कहाँ पर आता है? सलूम्बर में। और इनके मंदिर की जो सबसे खास बात है वो क्या है कि इनका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। इनका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, क्योंकि इनका जो मंदिर है वो महामारू शैली के अंदर बना हुआ है और इसका शिखर जो है वो नागर शैली के अंदर बना हुआ है। इनके मंदिर की खास बात क्या है कि जो इनका मंदिर है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है और महामारू शैली के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं महामारू शैली में क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। और शिखर किस में बना हुआ है? नागर शैली में। इनका क्या बना हुआ है? शिखर बना हुआ है इनके मंदिर का, है ना। और इनके मंदिर का निर्माण किसके समय किया गया? इनके मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा अलहट के समय किया गया। इनके मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में राजा अलहट के समय किया गया। अलहट के समय किया गया। तो हर बात अपन को जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वो पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए हम कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए जावर माता के बारे में आपको ध्यान रखना है, खानों या खनन की कुल देवी। और जावर माता का मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने बनवाया था। इडाना माता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें मेवल की महारानी कहते हैं, अग्नि का स्नान करने वाली देवी हैं। बम्बोरा सलुम्बर में इनका मंदिर है। अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। और सबसे इम्पोर्टेंट मेवाड़ का खजुराहो किस माता का मंदिर कहलाता है? तो अंबिका माता का मंदिर कहलाता है। ये एक्चुअल में मंदिर जो है महामारू शैली में बना हुआ है और नागर शैली में इसका शिखर बना हुआ है। तो जब मैं आपको राजस्थान के मंदिर पढ़ाऊंगा तो उसमें इस शैली के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तो यहाँ पर हम केवल इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके मंदिर का निर्माण कब? 10वीं शताब्दी में राजा अलहट के समय जो है किया गया, या अलहट के समय किया गया। तो सलुम्बर में ये तीन लोक देवियां हैं, एक तो जावर माता, एक इडाना माता और एक है अंबिका माता। अब हम बात करते हैं लास्ट राज संबंध की, इसकी बात करते हैं। एक बार आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए हर स्लाइड का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? राज संबंध की। तो राज संबंध में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है घेवर माता। किसकी बात करेंगे? घेवर माता। तो 10 हमने देख ली हैं, या फिर सॉरी उदयपुर में चलते हैं पहले। तो उदयपुर के अंदर हम देखते हैं महा माया या मावली माता। महामाया या मावली माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। इन्हें शिशु रक्षक देवी के रूप में पूछा जाता है। किसके रूप में? शिशु रक्षक। और मैंने आपको बताया था जो शीतला माता है उन्हें भी महामाया माता कहा जाता है, वो भी एक तरीके से शिशु रक्षक या मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो इन्हें शिशु रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। फिर हम बात करते हैं हिचकी माता। हिचकी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़ उदयपुर में। कहाँ पर है? सनवाड़ उदयपुर में।
और ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से हिचकी रोग का निवारण होता है। इनकी पूजा करने से हिचकी रोग का निवारण होता है। इनकी पूजा करने से हिचकी रोग का निवारण होता है। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर के अंदर उटाला माता, तो इनके बारे में तो केवल अपन नाम और जगह का नाम याद रखेंगे। उटाला माता का मंदिर कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर। कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में जो है इनका मंदिर है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। तो अपन लोग जो हैं 13 लोक देवियों का अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, उदयपुर संभाग की। तो उदयपुर के अंदर 3 लोक देवियां हैं, एक तो महामाया, एक हिचकी और एक उटाला माता। महामाया माता की मान्यता किस रूप में है? शिशु रक्षक देवी के रूप में है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि शिशु रक्षक देवी किसे कहा जाता है, तो महामाया माता को कहा जाता है। हिचकी माता का मंदिर सनवाड़ उदयपुर में है, और कहते हैं कि इनकी पूजा करने से क्या होता है, हिचकी रोग का क्या होता है, निवारण होता है। उटाला माता का मंदिर वल्लभ नगर उदयपुर में है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। मैं आपको साथ ही साथ जो जो प्रश्न परीक्षा के अंदर बने हुए हैं उनका भी अध्ययन कराता हुआ जा रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं MCQs की क्लास लूँगा वो मैं उसमें आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, अपन बात करते हैं राज संबंध की। तो राज संबंध में हम सबसे पहले बात करेंगे घेवर माता। किसकी बात करेंगे? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? राज संबंध। कहाँ पर है? राज संबंध। कहते हैं कि भाई राज संबंध झील की नींव का पहला पत्थर इनके द्वारा ही रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज संबंध झील की नींव का पहला पत्थर, नींव का पहला पत्थर किसने ही रखा? क्योंकि तो भाई कहते हैं कि महाराणा राज सिंह जो थे, जब वो इस झील का निर्माण करवाते थे तो क्या होता था कि रात में उसकी पाल टूट जाती थी। तो पुरोहितों के कहने पर एक ऐसी महिला को ढूंढा गया जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हो। तो घेवर माता से फिर क्या किया गया, राजसमंद झील की नींव का पहला पत्थर रखवाया गया। उसके बाद उस झील की पाल नहीं टूटी। तो घेवर माता का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई राजसमंद झील की नींव का पहला पत्थर किन माता ने रखा? घेवर माता ने रखा। इस झील की पाल पर ही, इस झील की पाल पर ही यह अकेली सती हुई, यानी कि यह अपने पति के साथ सती नहीं हुई बल्कि अकेली अकेली सती हुई। इनका मंदिर इसी झील की पाल पर बना हुआ है। इनका मंदिर इसी झील की पाल पर बना हुआ है। तो घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? कई बार क्वेश्चन आया है, इसी झील की पाल पर बना हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही, कि राजसमंद झील की नींव का पहला पत्थर किसने रखा? घेवर माता ने रखा। और घेवर माता जो है इस झील की पाल पर अकेली सती हुई, अपने हाथों में होम की अग्नि को प्रज्वलित कर ये अकेली सती हुई थी। और इनका मंदिर इसी झील की पाल पर बना हुआ है और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और यदि हम बात करें इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम था सॉरी स्टूडेंट, इनके पति का नाम क्या था? दयाल शाह। ये मेवाड़ के राणा सज्जन से सॉरी मेवाड़ के जो एक मिनट ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के क्या थे? सेवक सेवक थे।
और इनके पति का नाम क्या था, दयाल शाह। पति का नाम क्या था, दयाल शाह था। तो ये दो बातें अपन को घेवर माता के बारे में याद रखनी है कि भाई राजसमंद झील की नींव का पहला पत्थर किसने रखा, घेवर माता ने रखा, माता ने रखा, और इनका मंदिर इसी झील की पाल पर बना हुआ है, यहीं पर ही यह बिना पति के यानी कि अकेले सती हुई थी और यहीं पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इनके पति का नाम क्या था, दयाल शाह, और ये कौन थे, महाराणा राज सिंह के क्या थे, सेवक थे, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आमजा माता। नेक्स्ट क्या है, आमजा माता। आमजा माता का मंदिर कहाँ पर है, रीछड़े गांव, कहाँ पर, रीछड़े गांव राजसमंद में इनका मंदिर है, रीछड़े गांव राजसमंद में इनका क्या है, मंदिर है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इनका बन जाता है वो क्या बन जाता है, इन्हें भीलों की देवी कहा जाता है, इन्हें भीलों की देवी कहा जाता है, इन्हें भीलों की देवी कहा जाता है। तो ये प्रश्न हम परीक्षा में पूछा गया हुआ है कि भीलों की देवी किसे कहते हैं, तो आमजा माता। और ये तो दोनों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और भीलों की देवी किसे कहते हैं, आमजा माता को भीलों की देवी कहते हैं, और रीछड़े गांव राजसमंद में क्या है, इनका मंदिर है। इनके मंदिर में पूजा, इनके मंदिर में पूजा भील भोपा व एक ब्राह्मण पुजारी करता है, भील भोपा वह एक ब्राह्मण पुजारी करता है। तो यानी कि इनके मंदिर में दो जने होते हैं, एक तो भील भोपा होता है और एक ब्राह्मण पुजारी होता है। इनकी पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है, इनकी पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है, इनकी पूजा, क्योंकि श्रीनाथ जी का मंदिर भी राजसमंद में ही है, तो इनकी पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है। तो ये तीन बातें अपन को आमजा माता के बारे में ध्यान रखनी है कि इनकी पूजा जो है वो श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है। तो भीलों की देवी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न तो खैर यही है कि भीलों की देवी किसे कहा जाता है, तो भीलों की देवी आमजा माता को कहा जाता है। रीछड़े गांव राजसमंद में इनका मंदिर है। और घेवर माता के बारे में दो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए कि राजसमंद झील की नींव का पहला पत्थर इन्होंने ही रखा और इसी झील की पाल पर यह अकेली सती हुई, इनका मंदिर इसी झील की पाल पर बना हुआ है जहाँ पर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनके पति का नाम दयाल शाह था जो कि महाराणा राज सिंह के सेवक थे। और आमजा माता भीलों की देवी है, इनके मंदिर में जो पूजा है वो भील भोपा व एक ब्राह्मण पुजारी करता है, और इनकी पूजा श्रीनाथ जी की पद्धति के अनुसार की जाती है। तो फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे पीपला माता के बारे में। किसके बारे में, पीपला माता, पीपला माता। इनका मंदिर कहाँ पर है, उनवास, उनवास हल्दी घाटी, उनवास हल्दी घाटी राजसमंद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कॉमन बात क्या है कि इनके मंदिर का निर्माण भी, इनके मंदिर का निर्माण भी, इनके मंदिर का निर्माण भी 10वीं शताब्दी में राजा अलहट के समय किया गया, 10वीं शताब्दी में राजा अलहट के समय किया गया। अंबिका माता का जो मंदिर है वो भी इन्हीं के समय बना था, और पीपला माता का जो मंदिर है वो भी इन्हीं के समय बना।
तो ये इम्पोर्टेंट है एक तरीके से, अल्हट के समय किया गया। तो अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है? जगत सलुम्बर में है। और पीपला माता का मंदिर कहाँ पर है? उनवास हल्दी घाटी में है। और इनके मंदिर का निर्माण भी जो है राजा अल्हट के समय किया गया। यहाँ पर थंब परिक्रमा की जाती है, यहाँ पर थंब परिक्रमा की जाती है। अब देखिए लास्ट जो है उदयपुर संभाग की देवी वो है चार भुजा देवी। कौन सी हैं? चार भुजा देवी। और इनका मंदिर कहाँ पर है? इनका मंदिर है खमनौर हल्दी घाटी राजसमंद। खमनौर हल्दी घाटी राजसमंद। तो फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ फटाफट से कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है, वो भी मैप में जाकर। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जोगणिया माता भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और जोगणिया माता को ही हम अन्नपूर्णा माता कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा माता। और जो चित्तौड़ की जो बिरवड़ी माता है इनको इनको भी इनकी मान्यता भी अन्नपूर्णा माता के रूप में ही है। और यदि हम बाण माता की बात करें तो बाण माता का मंदिर चित्तौड़ में भी है, बाण माता का मंदिर उदयपुर में भी है। बाण माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है, नागदा है ना। और बाण माता का मंदिर जो है वो राजसमंद में भी है, केलवाड़ा। कहाँ पर है? केलवाड़ा। तो बाण माता का मंदिर चित्तौड़ में भी है, बाण माता का मंदिर उदयपुर में भी है, और बाण माता का मंदिर राजसमंद में भी है। और जो जोगणिया माता है यानी कि अन्नपूर्णा माता है, इनका एक मंदिर चित्तौड़ में भी है। तो देखा जाए तो वैसे 20 देवियां हो रही हैं, लेकिन मैंने आपको कितनी बताई हैं? 17। क्योंकि बाण माता जो है वो चित्तौड़ में भी, सलुम्बर में भी और राजसमंद में भी, और अन्नपूर्णा माता भीलवाड़ा में भी और चित्तौड़ में भी। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा बाण माता जो है वो गुहिल वंश की क्या है? कुल देवी है। कालिका माता जो है वो गुहिल वंश की क्या है? आराध्य देवी है। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी के वंश की क्या है? कुल देवी है। ठीक है, जावर माता जो है वो खानों की या खनन की कुल देवी है। खानों या खनन की क्या है? कुल देवी है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो आमजा माता है ये भीलों की देवी है। किसकी देवी है? भीलों की देवी है। और जो अन्य माताओं की अगर बात करें तो बड़ली माता जो है यहाँ पर बच्चों की बीमारी ठीक हो जाती है। असावरी या आवरी माता के यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर शारीरिक व्याधियां जो है वो दूर हो जाती है। जोगणिया माता के मंदिर में मन्नत पूर्ण होने पर मुर्गा छोड़कर जाने की क्या है? प्रथा है। इडाना माता को अपन मेवल की महारानी कहते हैं, ये अग्नि स्नान करती हैं। अंबिका माता का मंदिर जो है ये मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है ना। महामाया माता जो है ये शिशु रक्षक देवी के रूप में जाना जाता है। उटाला माता की यदि हम बात करें तो इनका मंदिर वल्लभ नगर उदयपुर में है। हिचकी माता की पूजा करने से हिचकी रोग का क्या होता है? निवारण होता है। घेवर माता ने राजसमंद झील की नींव का प्रथम पत्थर रखा था है ना। और बाकी तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इनके अलावा तो और कुछ है नहीं। बाकी कौन सी देवी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस तरीके से शॉर्ट रिवीजन आप तब कर पाएंगे जब आपको टिप्स के ऊपर हर जिले में कौन कौन सी देवियाँ हैं उनका स्थान और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद होंगे। तो उदयपुर संभाग की लोक देवियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम पाली संभाग की लोक देवियाँ पढ़ते हैं। तो देखिए पाली संभाग की लोक देवियां, पाली संभाग की लोक देवियां, तो पाली संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं 4 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले जो हैं वो पाली संभाग के अंतर्गत आते हैं। और पाली संभाग में हम कितनी लोक देवियों का अध्ययन करेंगे?
हम लोक देवियों का अध्ययन करेंगे, सात लोक देवियों का। कितनी? सात लोक देवियों का अध्ययन जो है वो हम पाली जिले के अंतर्गत करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको अपन मैप में एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, पाली संभाग के अंदर कौन-कौन से जिले आते हैं? पाली संभाग के अंतर्गत एक तो आता है पाली। कौन सा आता है? पाली। तो यदि हम पाली की बात करें तो देखिए, पाली तो पाली के अंदर जिनका मंदिर है वो है सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है? आउवा पाली। सुगाली माता का मंदिर कहाँ पर है? आउवा पाली। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सुगाली माता के बाद, तो पाली जिला हो गया। पाली के बाद हम बात करेंगे सिरोही। किसकी? सिरोही। तो सिरोही की यदि हम बात करें तो सिरोही के अंदर तीन देवियां, एक तो अर्बुदा देवी। कौन सी देवी? अर्बुदा देवी। अर्बुदा देवी, इनका मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत सिरोही। कहाँ पर है? आबू पर्वत सिरोही। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे अर्बुदा देवी के बाद हीमल माता। इसकी बात करेंगे हीमल माता। हीमल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? बसंतगढ़। बसंतगढ़ दुर्ग है, तो बसंतगढ़ सिरोही हीमल माता का मंदिर है, बसंतगढ़ सिरोही। और एक जो है वो है अंबा माता। अंबा माता, तो अंबा माता का जो मंदिर है वो है आबू रोड सिरोही। कहाँ पर है? आबू रोड सिरोही। ठीक है, अब सांचोर। सांचोर में कोई लोक देवी नहीं, सांचोर। ठीक है, नया जिला बना है ये। फिर हम बात करेंगे जालोर। तो जालोर में कौन कौन सी लोक देवियां हैं? तो जालोर की यदि हम बात करें तो जालोर के अंदर हम बात करेंगे एक तो शेमंकरी। शेमंकरी या अपन कह सकते हैं खीमल, सॉरी खीमज माता।